हेलो, सत श्री अकाल जी। अज की वीडियो के आप देखेंगे कि आप अपने फेस की हाइलाइटिंग कंट्रोलिंग किस तरह कर सकते हाँ। फेस की हाइलाइटिंग का मतलब है कि फेस के जो पार्ट आप हाइलाइट करना चाहते हाँ, जिस तरह अखा के नीचे, ठोडी ते, लिप्स के उपर, मत्थे के सेंटर विच फेस के ये पार्ट आप अपने हाइलाइट कर सकते हाँ। फेस कंट्रोलिंग का मीनिंग है कि अपने फेस के जो भी हैवी पार्ट हैं उन्होंने आप कंट्रोल कर सकते हाँ। जिस तरह कई दिन गल्ला थोड़ा जहाँ भारी होंदिया हैं, किसी डबल चिन होंगी है, तो किसी की नोज थोड़ी चौड़ी होंगी है, तो हैड भी थोड़ा बड़ा होंगे है। सो फेस के इन पार्टा सही शेप में देने के लिए आप कंट्रोलिंग करते हाँ। अगर आप अपने मेकअप की थोड़ा हैवी लुक चाहते हाँ तो आप कंट्रोलिंग हाइलाइटिंग तो पहला फाउंडेशन अप्लाई कर लवेंगे। अगर आप फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना चाहते तो जो आप हाइलाइटिंग कंट्रोलिंग करा उस ही अपने मेकअप की लुक तैयार हो जाएगी। अपने फेस से हल्का जहा फाउंडेशन अप्लाई किया है, आई मेकअप और लिपस्टिक लगाई है, और हम मैं तुम्हें कंट्रोलिंग हाइलाइटिंग करके दिखावगी। कंट्रोलिंग हाइलाइटिंग करने के लिए इतने मैं किस ब्यूटी की कंट्रोल पैलेट ले रही हाँ। इस दे विच सारे शेड हैं जो कि आपको हाइलाइटिंग कंट्रोलिंग करने के लिए चाहिए हैं। तो पहले आप अपने फेस की कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग करने के लिए हमेशा डार्क शेड ही ले जाते हैं। ये दो शेड आप कंट्रोलिंग करने ले सकते हाँ। इतने आप डार्क ब्राउन शेड लवेंगे कंट्रोलिंग करने के लिए। कंट्रोलिंग करने तो पहले आप देखेंगे कि आप अपने फेस के किस पार्ट से कंट्रोलिंग करनी है। इस दे लई आपां अपने फेस की शेप इस तरह बना के देखेंगे कि अपने फेस के किस पार्ट से आप कंट्रोलिंग अप्लाई करांगे। कंट्रोलिंग आप अपने इस साइड पर करांगे, इस साइड तो लैके इस साइड तक, इस साइड भी आप इस तरह ही देखेंगे। ये आप इतने एंड तक नहीं लैके आना, इतने आईब्रो के एंड तो आप इस जगह तक ही लैके आवेंगे। इस डार्क ब्राउन शेड में इस तरह फ्लैट ब्रश से ले लवेंगे, तो इस तरह ही फेस की शेप बना के आप कंट्रोलिंग करांगे। दूसरी साइड भी आप इस तरह ही अप्लाई करांगे। इस तो बाद आप इस कलर नूं लैके, अगर अपनी डबल चिन है तो आप इस तरह अपनी ये जो लाइन पर भी इस कंट्रोलिंग नूं अप्लाई करांगे, क्योंकि कई दी फेस की डबल चिन होंगी है तो थोड़ा हैवी हैवी लगता है। इस तरह कंट्रोलिंग करने दे नाल अपने फेस की शेप एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये आप स्टार्टिंग तो एंड तक इस तरह अप्लाई करना है। इस तो बाद आप अपने नक की कंट्रोलिंग करांगे। नक की कंट्रोलिंग करने के लिए आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ करांगे, इस तरह दोनों साइडों पर आप लाइन ड्रॉ करांगे। इस लाइन में थोड़ा इस तरह साइड कर देवांगे। इस तरह करते अगर अपनी नक थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है तो वह बिल्कुल सही शेप में आ जाएगी। दूसरी साइड भी इस तरह ही करांगे। तो बाद अगर अपना मत्था चौड़ा है तो आप उसको भी कंट्रोल करने के लिए इस तरह कंट्रोलिंग करांगे। कंट्रोलिंग करने तो बाद अपने फेस को हाईलाइट करांगे। हाईलाइटिंग तो पहले आप अपने अखा के नीचे अगर अपने डार्क सर्कल हैं इस शेड में लैके अप्लाई कर लेंगे, इस तरह डॉट डॉट की तरह। इस तरह अप्लाई करने के नाल लाइन्स नहीं बनदियां। सो डार्क सर्कल भी हाइड करना बहुत जरूरी है। हाईलाइटिंग लई आपां ये फेयर कलर भी लै सकते हाँ, तो येलो कलर ना भी हाईलाइटिंग कर सकते हाँ। इतने मैं येलो कलर ले रही हूँ हाईलाइटिंग लई। सब तो पहला मैं इस तरह अपनी आईज के नीचे टैप टैप करके इस कलर नूं अप्लाई करांगी। इस तो बाद ठोडी ते
अते लिप्स के उपर भी आप थोड़ी हाईलाइटिंग करांगे। मत्थे दे सेंटर विच हाईलाइटिंग तो बाद आपां इस फेयर कलर नू लैके जिथे आपां कंट्रोलिंग कीती है उस दे नीचे इस तरह अप्लाई करांगे। कंट्रोलिंग करन तो बाद अपने फेस दा निचला पार्ट भी इस तरह हाईलाइट होके उभर के आएगा। दूसरी साइड भी इस तरह ही करांगे। ते अपने नोज दे सेंटर विच भी इस तो बाद सब ब्यूटी ब्लेंडर के नाल चंगी तरह ब्लेंड कर लवेंगे। तो पहला अपने आप हाईलाइट पार्ट को ब्लेंड करांगे क्योंकि अगर आप पहला कंट्रोलिंग ब्लेंड करांगे तो इस ब्राउन कलर पूरा अपने ब्लेंडर में ऐड हो जाएगा तो अपना फेस पूरा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। हाईलाइटिंग ब्लेंड करने तो बाद हम अपने फेस की कंट्रोलिंग ब्लेंड करांगे। ये आप इस तरह ही ब्लेंड करनी है, इसनों आप अपने पूरे फेस से इस तरह ब्लेंड नहीं करना। जिस डायरेक्शन में आप इसनों अप्लाई किया है आप उस डायरेक्शन में ही इसनों इस तरह ब्लेंड करांगे। अपने हेड से कंट्रोलिंग ब्लेंड करने के लिए आप अपने इस तरह बालों के वाल ही ब्लेंडिंग करांगे। ब्लेंडिंग करने तो बाद अगर आपां अपनी साइड थोड़ा ब्राउन लग रहा है तो आप पाउडर लैके इस तरह अप्लाई कर लवेंगे और बाकी फेस में भी आप हल्का जहा पाउडर ला के इस तरह सैट कर लवेंगे। जिस नाल अपनी कंट्रोलिंग और हाईलाइटिंग बिल्कुल सैट हो जाएगी। बाद आप अपनी बाकी का मेकअप जो भी ब्लशर वगैरह और हाईलाइटिंग अप्लाई करना चाहते हाँ वह अप्लाई कर सकते हाँ। इस तरह ब्लशर अप्लाई कर लवेंगे। हाईलाइटिंग के लिए आप इस शेड नूं उंगल ते ही लैके अप्लाई कर लवेंगे इस तरह। दूसरी उंगल के नाल इसनूं इस तरह सैट कर देवांगे। इस तरह अपने नोज से भी हाईलाइटर अप्लाई करांगे, होड़ी ते लिप्स के उपर हल्का जे मत्थे ते अपनी आईब्रो के नीचे अते आई कॉर्नर के विच भी हाईलाइटर लगावांगे। कंट्रोलिंग और हाईलाइटिंग तो बाद आप अपने फेस का मेकअप दे सकते हैं। एक तरह ना अपने फेस की शेप परफेक्ट आई है तो जो भी अपने फेस के हैवी पार्ट हैं वो बिल्कुल शेप में हैं। सो अपने फेस की हाईलाइटिंग और कंट्रोलिंग तो बाद आप अपने फेस का मेकअप इस तरह कर सकते हैं। सो इस तरह फेस की कंट्रोलिंग और हाईलाइटिंग करने के अपने फेस की एक शार्प लुक उभर के सामने आती है तो अपने फेस के जो भी हैवी पार्ट हैं वो कंट्रोलिंग करने कंट्रोल हो जाते हैं। हाईलाइटिंग करने अपने फेस के पार्ट हाईलाइट होके सामने आते हैं। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।